brought to you by Khata Book. इनका टुमारो हो ना हो, लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। कैसे भाई? खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। प्लीज अब परेशान मत होना, मेरे को जब विदा करो ना, जब मेरे को लेके जाओगे यहाँ से, जब छोड़ोगे मेरे को, तो हंसते हुए मेरे को ये चीज चाहिए प्लीज। और माफ करना कि ये स्टेप मैंने उठाया, ये मेरी मजबूरी समझ लो। आप सोचो कि काश मैं शेयर कर देता या कुछ करता, लेकिन इस चीज का कुछ भी नहीं था सॉल्यूशन, कुछ भी नहीं था इस चीज का। आप लोगों को बता भी देता तब भी कोई फायदा नहीं था। क्यों? क्योंकि वो लड़की ऐसी है, मैंने, क्योंकि आपको मैं क्या बताऊं, मैंने उस लड़की को देखा हुआ है, वो अपने माँ बाप तक की नहीं है। और ये चीज मेरे से ज्यादा अच्छी आपको अभिषेक, दीपांशु, ये जितने भी हैं मेरे साथ के, ये समझा देंगे। क्योंकि वो लड़की अपने माँ बाप तक की नहीं है। क्यों नहीं है? वो लड़की, हम सबको सच पता होता था और वो हमारे सामने झूठ बोलती थी, और ऐसे झूठ बोलती अपनी माँ बाप की कसम खा खा के। ऐसे बोलती थी, मेरी माँ विधवा हो जाए अगर मैं झूठ बोलूं। वो ऐसी लड़की थी। अगर मैं आपको बताया तो ना, मुझे पता है आप लोग मेरे लिए, मेरे साथ खड़े रहते, ठीक है, पहले डांटते कि पहले क्यों नहीं बताया, मारते भी, कोई उसकी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आप मेरे को बिल्कुल सपोर्ट करते, मैं आपकी नजरों में हमेशा ठीक रहता। लेकिन अगर वो मेरे पे केस या कुछ भी कर देती ना, तो एक तो जब बाहर की दुनिया ये नहीं समझती, ये मेरे को चीना को, आप लोगों को इतना बोलते कि वो मेरे को, फिर मैं जीते जी मर जाता था। अब मैं खुश हूं, मैं सच बता रहा हूं, अब मैं खुश हूं। मेरे को ये है कि हाँ, आप लोगों के साथ जितना भी टाइम मेरे को मिला, बहुत अच्छा मिला है। ये जो मार्च, ये मेरा ये सब करने का पहले था, लेकिन वो तो लॉकडाउन हो गया, उस वजह से मैं अब यहाँ पे था आप लोगों के साथ इतना टाइम, तो बस यही बात है, खुश हूं मैं। ऐसा कोई मेरे मन में 1% गम नहीं है, बस जो एक गम है वो ये है कि आप लोगों के लिए मैं कुछ इतना नहीं कर पाया। बहुत उम्मीद थी, आपने इतना कुछ करके मेरे को बड़ा करा मम्मी।